to Dani's Storyl Institute with me, Danishtha. Hope all of you are fine. Quickly take out your textbooks of maths. So the page number is 42. Numbers from 31 to 40. So अब हमें आता है 0 से लेके 30 तक हमें ये काउंटिंग आती है. तो 3 की फैमिली में हमने सिर्फ 30 पहला लिखा, जो कि हम 2 की फैमिली में लास्ट में लिखते हैं, ठीक है ना. तो अब हम करेंगे 30 की फैमिली का 31 से स्टार्ट, 2 4 0 40, ठीक है ना. तो 3 की फैमिली में सबसे पहले क्या आता है, 3 हर जगह आता है. फिर हम वही रिपीट करते हैं जो हमने 1 की फैमिली में लिखा है, ठीक है. 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, और इस 30 में कितने टेंस हैं, इस 30 में है 10 10 और 1, क्या बना 31. तो अब हम लिखेंगे 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, एंड 4 की फैमिली का पहला वाला 4 0 40. तो अब जो ये 31 है इसमें हमने लिखा 10 10 10. अब जो ये हमारा 32 है इसमें 3 10 और 1 बनाएगा 31. 3 10 हो गए 30 और 2 बनाएगा 32. देन 1 2 3 10 एंड 3 मेक्स 33. देन 3 10 एंड 4 मेक्स 34. 3 10 एंड 5 मेक्स 35. देन 3 10 एंड 6 क्या बना 36. 3 10 एंड 7 क्या बना 37. 3 10 एंड 8 क्या बना 38. 3 10 एंड 9 क्या बना 39. फिर हो गया 1 10 2 10 3 10 एंड 4 10 मेक्स 40. तो इस तरीके से भी हमने इसको सीख लिया बाय काउंटिंग बाय टेंस के हिसाब से, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो आपको अब लिखना है आपकी टेक्स्ट बुक में या बाद में करोगे, मैं आपने समझाना था मुझे, 3 1 31 तीन बार लिखना, 3 2 32 थ्री टाइम्स, 3 3 33 थ्री टाइम्स, 3 4 34 ठीक है, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39 एंड 4 0 40. तो इसका अब हमने ये जो हमने काउंटिंग लिखी ये कौन सी थी, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग. ये चीजें आपको हमेशा याद में रहना होना चाहिए. जब भी आपको देखे होगा जैसे 31 टू 40 लिखो तो हमेशा ये करना आपको याद कि हमने कौन सी काउंटिंग लिखनी है, फॉरवर्ड. या 11 टू 20 तो कौन सी काउंटिंग है, फॉरवर्ड. 20 टू 11 है तो रिवर्स में आ रहे हैं, ठीक है ना. तो अब हम बैक जा रहे हैं तो बैकवर्ड काउंटिंग. और फिर साथ साथ में ये भी, जब 20 के बाद ये होगा फिर हम 20 से देखते हैं कितने टेंस है इसमें और कितने नंबर्स है बाकी जो रिपीट हो रहे हैं 1 to 10 तक, ठीक है. तो इस हिसाब से भी आपको करना है, लेकिन लिखना आपको क्या है, सिर्फ ऐसे, और फिर आप इनको याद भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं रट्टा मार के. जब आप समझने के बगैर इन नंबर्स को लिखोगे तो आपको फिर कभी ये नंबर्स याद नहीं रहेंगे. तो आपको क्या होगा, आप कभी 29 लिखोगे, आप 26 से पहले 24 लिखोगे, बीच में स्किप करोगे नंबर्स जब आप गोटाफिकेशन करोगे, ठीक है. रटा मार के याद करना, रटना नहीं है, इसको समझ के लिखना है, ठीक है, समझ समझ के. जैसे हमने 3 1 31 लिखा तो खुद में समझना है, इसमें दिमाग में डालना है, दिमाग में डालना है कि कितने टेंस है 3 में,
तो वन टू थ्री टेंस है और वन है, हाँ तो थ्री थ्री, इस थ्री का मतलब है थ्री टेंस और वन का एक, तो 31। इस थ्री का मतलब फिर से है तीन टेन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, थ्री में हमेशा तीन टेन आते, टू में कितने टेंस आते थे, टू ही है ना, जो ये 20 में है, 20 के टू में कितने आते थे, टू ही, और जब एक टेन होगा तो उसमें क्या आएगा, एक ही, ठीक है, वन में, वन का मतलब है टेन, ठीक है, वन और जीरो का, सॉरी। तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।